हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हेयर सेशन का कर रहे हैं। ज़्यादातर ये आया है सब लोगों की तरफ से कि जी, दो तीन लोगों ने यही कमेंट किया कि जी प्लीज़ आप हेयर लॉस के बारे में बताएं, उनके बाल बहुत गिर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आज हम इस तरह टॉपिक ले लेंगे और आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब हम हेयर लॉस पे आज बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये है कि एज फैक्टर भी होता है इंसान का, क्योंकि एज फैक्टर इसलिए कह रही हूँ कि एज के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके बालों का बाल इफेक्ट होते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि आप ये देख लें कि कोई आपको किसी को एलोपेशिया तो नहीं है जिससे वो बाल आपके गिरने लग जाते हैं, आपकी स्कैल्प वगैरह क्लियर है, मेक श्योर ये सब देख लें। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें, हेयर केयर आ जाता है। हेयर केयर आप क्या करते हैं, आपकी डैंड्रफ तो नहीं है, कोई आप देख लें कोई रैशेस तो नहीं है आपकी स्कैल्प के ऊपर, ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद जैसे और फैक्टर ज़्यादा ज़रा डीप किस्म के फैक्टर हैं, उसमें चाइल्ड बर्थ के बाद भी लोगों के बाल गिरने लग जाते हैं। कोई खुदा ना खास्ता किसी को इलनेस है, जैसे यूजली थायराइड वालों के बड़े बाल गिरते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। वो आप चेक कर लें कि कई दफ़ा लोगों को पता नहीं होता कि उनको थायराइड है और वो कहते हैं जी बाल पता नहीं क्यों गिर रहे हैं। सबसे पहले आप दो काम करें। एक काम आप ये करें कि आप जिनको हेयर का प्रॉब्लम है वो अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें, मेक श्योर कि उनको उनकी वाइटामिन वगैरह पूरे हैं, उनका सब कुछ पूरा है, ये कर लें। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये देख लें कि अगर कोई आप लोग स्ट्रांग मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ये भी आप देख लें। नंबर दो, नंबर तीन आप ये देख लें, आप अपनी डाइट देख लें। अच्छा, अब आप लोग, अच्छा हाँ, मेन चीज़ जो आजकल मेन चीज़ जो है वो है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस लेंगे आपके बाल गिरेंगे, ये तो 110% है ना। जस्ट रिलैक्स हों। लगता है कि एक मुझे ये वाले भी सेशन शुरू करने पड़ेंगे जिनमें पॉजिटिव मैं बातें आपके साथ करूँ और आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी। नहीं जी, स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको और कौन कौन से टॉपिक चाहिए। बीच में हम वो भी ले आएंगे ताकि ज़रा आप इंजॉय भी बंदा साथ साथ कर लेना, फिर एक चीज़ से हम बोर हो जाएंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।